नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं गुड़हल के बारे में बताऊंगा और उसके केयर के बारे में। और देखिए, मेरे पास बहुत सारा गुड़हल का प्लांट है और कुछ में फ्लावरिंग चल रहा है और दोस्तों कुछ में फ्लावरिंग नहीं है। इन सब में दोस्तों फ्लावरिंग था, लेकिन लगातार इसमें फूल आते आते इसे और न्यूट्रिएंट्स चाहिए और गमले में जो न्यूट्रिएंट्स बचा था वो सब खत्म हो गया है। तो दोस्तों हिबिस्कस अचानक देखिएगा फ्लावरिंग करते करते रुक जाता है, तो ऐसे करने पर क्या करना चाहिए और कौन सा खाद डालना चाहिए, आज ये वीडियो उसके बारे में है। और पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, हिबिस्कस को हमेशा बड़े से पॉट में लगाइए आप, 10 इंच के प्लस 10 से 14 इंच के बीच में जो भी पॉट मिले उसे लगाइए। और बहुत पुराना है तो दोस्तों 12 से 14 इंच का बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हिबिस्कस एक हैवी फीडर है और उसे बहुत सारा फर्टिलाइजर चाहिए और रेगुलर चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये फूल देता रहेगा और इतना सारा फूल देगा तो उसे दोस्तों बहुत सारा फर्टिलाइजर भी चाहिए। तो गमला में रेगुलर आप फर्टिलाइजर डालते रहिए और इसका फर्टिलाइजर आज मैं बताऊंगा दोस्तों। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए हर ब्रांच पे ये सब फूल मैं तोड़ा हूँ और ऐसे रेगुलर मैं तोड़ता रहता हूँ दोस्तों इसमें फूल। और इतना फूल के लिए उसको बहुत सारा फर्टिलाइजर चाहिए दोस्तों। और प्लांट आपका जितना पुराना है खाद भी उतना चाहिए उसको। तो पहले इसके पॉटिंग मीडिया जान लेते हैं। इसमें दोस्तों आप यूज कीजिए नॉर्मल गार्डन सॉयल 60% और दीजिए इसमें आप 30% का गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी मिले। और दोस्तों 10% के करीब आप मिला सकते हो कोकोपीट। पोरस मीडिया चाहिए, इसका रूट बहुत ही सॉफ्ट रहता है। प्लांट भले ही आपका हार्डी प्लांट है लेकिन रूट इसका बहुत सॉफ्ट रहता है और रूट का ग्रोथ अच्छा रहेगा तो प्लांट भी आपका ऊपर से हेल्दी दिखेगा। और देखिए दोस्तों, ये जो गुड़हल आप देख रहे हो इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है और इसका देखिए बर्ड्स भी ऐसे मोड़ा हुआ आ रहा है और पत्ता भी बहुत छोटा छोटा आ रहा है। सर्दियों में अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है लेकिन ज़्यादातर ये स्प्रिंग में दोस्तों फ्लावरिंग करता है, तो अभी जनवरी लास्ट में इसे फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ऑरेंज कलर का है और इसमें भी बहुत छोटा फूल हो गया है, करीब 3-4 इंच का फूल दे रहा है, लेकिन ये देना चाहिए आपका 7-8 इंच का फूल, ऑस्ट्रेलियन वेराइटी है। और इसमें भी देखिए यहाँ पे आपको सब सूखा हुआ फूल का डहनी दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सब रेगुलर फ्लावरिंग किया था तो इसमें भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया है। तो सब में मैं फर्टिलाइजर डालूंगा तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लूं। और ये भी देखिए एक ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है लेकिन इसमें भी फूल बहुत छोटा छोटा आ रहा है। और दोस्तों ये देखिए, ये भी एक है, इसमें खाली ब्रांच रह गया है और कुछ कुछ पत्ता आ रहा है। और स्प्रिंग में इसका नया नया ग्रोथ आता है तो इस टाइम इसको फर्टिलाइजर जम के देना चाहिए। और यहाँ पे है देखिए और कुछ वैरायटी, काफ़ी पुराना पौधा है। देखिए एक एक में आता है तो करीब 40-50 फूल आता है क्योंकि ब्रांच देखिए आपको बहुत सारा दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा ब्रांच है इस पौधे में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक ऑस्ट्रेलियन वैरायटी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है और एक ऑस्ट्रेलियन वैरायटी येलो का। और इसमें भी देखिए फूल का साइज उतना बड़ा नहीं आ रहा है और इसमें भी मैं खाद डालूंगा। अभी पहले आपको सारा वीड्स हटा लेना है दोस्तों गमले से। और अभी मैं इवनिंग को यही काम कर रहा था, सारे गमले में वीड्स हटाया और उसके बाद ही मैं खाद डालूंगा क्योंकि वीड्स रहने पर वो सारा फर्टिलाइजर ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स वो खींच लेंगे दोस्तों। और जो भी आपको ऐसे दिखे उसको आप हटा दीजिए और गमले को पूरा साफ सुथरा कीजिए और उसके बाद ही फर्टिलाइजर डालिए दोस्तों। और ये देखिए, ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है और ऊपर तक बर्ड्स आ रहा है तो थोड़ा फर्टिलाइजर दे देने पर और बढ़िया रहेगा इसमें। और देखिए दोस्तों, डिजीज फ्री रखिए, मिलीबग मेन लगता है इसमें, मिलीबग आप बार बार चेक कीजिए। और मिलीबग लगता है तो आप नीम ऑयल या फिर सुपर सोनाटा का स्प्रे कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए फर्टिलाइजर मिक्स में आज बताऊंगा और कौन कौन सा फर्टिलाइजर कितने रेशियो में डालना है वो मैं बताऊँगा। और ये देखिए मेरा है स्टेरामिल आपको मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों, ये पर केजी 60-70 रुपया में आता है।
और ये स्टेरामिल आप ले लीजिएगा 2 चम्मच के करीब। ये देखिए स्टेरामिल मैं ले लिया हूँ। और यहाँ पे है आपका नीम केक पाउडर है दोस्तों, नीम की खली भी दोस्तों 70 रुपया किलो में आ जाता है। और ये देखिए इसको मैं मिला लिया यहाँ पे। और ये है मेरा टॉप रोज फूड है दोस्तों, गुलाब का जो फर्टिलाइज़र आता है वो मैं ख़रीद के रखता हूँ और उसको मैं डालूँगा 1 चम्मच। ये बहुत पावरफुल होता है और गुलाब में क्या गुड़हल में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी दोस्तों मैं 2 चम्मच ले लेता हूँ और 1 चम्मच देखिए डाल दिया, 1.5 चम्मच के करीब है। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 13-00-45, ये मिडिल का नंबर 0 है दोस्तों। और ये फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है गुड़हल के लिए, अगर ये आपको मिल जाता है तो बेस्ट है। इसको 1 चम्मच में मिला लेता हूँ देखिए। और नाइट्रोजन और पोटास इसमें बहुत सारा है लेकिन फॉस्फोरस 0 है। और ये देखिए एप्सम सॉल्ट है MgSO4, और इसको भी दोस्तों 1 चम्मच डाल देता हूँ, आधा चम्मच निकाला और आधा देखिए और थोड़ा डाल देते हैं। ये देखिए हो गया है। और इन सभी को मिला लेते हैं अच्छे से। और ये दोस्तों इतना बढ़िया फर्टिलाइज़र है आपको मैं बता नहीं सकता, इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और इसमें गुड़हल का साइज और ग्रोथ सब बढ़ जाएगा दोस्तों। और स्प्रिंग में बहुत बढ़िया क्लाइमेट रहता है दोस्तों गुड़हल के लिए, और इस टाइम अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। और मैं जो ये फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ मार्केट में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और देखिए क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा स्टेरामिल और 2 चम्मच डाल दिया हूँ और कुछ नीम की खली को और ऐड कर दूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारा प्लांट है दोस्तों, करीब 20 के करीब प्लांट है। और ये देखिए अच्छे से मैं मिला लिया और बढ़िया मिक्सचर बन गया है। और ये आप डालिएगा सुबह 7 बजे या फिर डालिएगा शाम को 4 बजे के बाद, दोपहर को ये खाद मत डालिएगा। और ये डालने के बाद दोस्तों पानी दे दीजिएगा, नहीं तो मिट्टी आपका गीला है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो। ये देखिए मैं ले लिया हूँ आधा मुट्ठी। और ये दोस्तों केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों मिक्स है इसमें, तो रिजल्ट आने में इसका 5-6 दिन लगेगा। और 5-6 दिन के बाद आपको दिखेगा दोस्तों नया नया ग्रोथ। देखिए गमले के ऐसे साइड साइड में आपको दे देना है, और इससे पहले दोस्तों वीड्स और कुड़ाई थोड़ा कर लीजिएगा गमले का। और इसी तरह देखिए मैं मेरे सारे गमले में डाल दूंगा थोड़ा थोड़ा। दोस्तों इसका अपडेट भी मैं दूंगा कैसा ग्रोथ आया और क्या आया। ये देखिए मेरे कुछ गुड़हल के कलेक्शन और ये सब प्लांट हैं मेरे पास दोस्तों, कुछ ऑस्ट्रेलियन है, कुछ पूना वेराइटी है और कुछ मिनी वेराइटी है, और बहुत सारा ऐड किया हूँ इस साल, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसको। अभी गुलदावड़ी और गुलाब ख़त्म होने के बाद गुड़हल ही आपको फूल देगा दोस्तों समर तक, और गर्मी पसंद प्लांट है। और देखिए दोस्तों कैसा फूल आता है मेरा, एक पौधे में सर ब्रांच पे बहुत सारा फूल लदा हुआ रहता है। अगर आपको इतना सारा करने का नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, NPK आप लाइए 19-19-19, और उसमें दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला लीजिए और वही वाला आप दीजिए, उसमें भी दोस्तों रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जो मैं बताया इसे अगर आप कर लेते हो तो 1.5-2 महीने तक आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ है उसको मिलने में बहुत टाइम लगता है और केमिकल फटाफट आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो केमिकल डालने पर दोस्तों मिट्टी का पोषक तत्व भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक डालने पर मिट्टी आपका और अच्छा बन जाएगा और उसी मिट्टी में ही आपका बहुत सारा फूल देगा गुड़हल। और दोस्तों इसके बारे में मैं और एक वीडियो लाऊंगा ग्राफ्टिंग के बारे में, एक गुड़हल में मैं बहुत सारा फूल खिला के दिखाऊंगा उसका कैसे ग्राफ्ट किया जाता है और कैसे मल्टी कलर गुड़हल आप बना सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा। दोस्तों मिलीबग के लिए बहुत सारा लोग पूछते हैं सर मिलीबग के लिए क्या करें, उसके लिए मैं बता देता हूं आपको।
सर्फ एक्सेल ग्लू जो आता है दोस्तों, उससे आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है आपको नीम ऑयल स्प्रे करना है। और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, मैं सुपर सोनाटा डालता हूँ। सुपर सोनाटा बहुत कॉस्टली आता है और बहुत अच्छा काम भी करता है। और लास्ट में बोलूँगा केमिकल, केमिकल में दोस्तों आप डालिए क्लोरोपाइरीफॉस साइपरमेथ्रिन, वो भी बहुत अच्छा लाइट डोज दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों गुड़हल के बारे में ये था मेरा कुछ जानकारियाँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा।